हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है 5 सितंबर और टीचर्स डे भी है। सभी शिक्षकों, सभी गुरुओं को दिल से धन्यवाद जो हम लोग को पढ़ाए हैं, बहुत कुछ सिखाए हैं, उन सबको दिल से धन्यवाद। और आज हम लोग चल रहे हैं टाटा के शोरूम में, तो दिखाते हैं वहाँ पे कौन कौन सी गाड़ी है और हम लोग कौन सी गाड़ी ले रहे हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए और चलिए शोरूम में दिखाते हैं कौन कौन सी गाड़ी है। टाटा की गाड़ी बहुत अच्छी होती है। एक्चुअली मैं पिछला 2-3 साल से जो टाटा का परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा हो गया है, तो इसीलिए हम लोग का प्लान था कुछ और गाड़ी लेने का, लेकिन अचानक से प्लान चेंज हुआ, टाटा पे आ गए, क्योंकि रतन टाटा समझ रहे ना, पूरे देश के सबसे फेवरेट पर्सन है। तो चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं कौन सी गाड़ी लेना है, बने रहिए ब्लॉग में। यह है टाटा हैरियर डार्क एडिशन, वेरिएंट सेम है बस कलर का अंतर है। और हम बात हुआ था हमारा जनरल मैनेजर से, तो वहाँ से पता चलेगा कि हमारी गाड़ी आई है कि नहीं आई है। अभी हम दिखाते हैं आप लोगों को। यह है पटना में जो टाटा का शोरूम है, ये बोरिंग रोड में है, पटना बोरिंग कैनाल रोड में। आप लोग किसी को भी गाड़ी लेना है यहाँ से तो ले सकते हैं। हम भी थोड़ा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि कौन सा गाड़ी लें, टाटा हैरियर लें या टाटा सफारी लें, क्योंकि पहले भी एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था जब हम दूसरी गाड़ी बुक किए थे। तो लेकिन टाटा सफारी भी सही गाड़ी है, लेकिन 7 सीटर है और हमारी फैमिली जो है वो 5 सीटर ही लाइक है, मतलब 4-5 लोग ही हैं, इसीलिए हम लोग ज़्यादा फोकस हैरियर पर कर रहे हैं क्योंकि उसका लुक जो है बहुत स्पोर्टी है। ये है टाटा सफारी और हमारी जो वेरिएंट जो हम लोग को लेना है वो ये सामने खड़ी है, इसमें का वाइट कलर हम लोग को लेना है। तो अभी दिखाएंगे अंदर से गाड़ी की, मतलब क्या क्या स्पेसिफिकेशन है गाड़ी का, अंदर से दिखाते हैं अभी आपको। अभी हम लोग हैरियर के डार्क एडिशन में बैठे हुए हैं, लेकिन जो हम लोग को गाड़ी लेना है वो गाड़ी अभी स्टॉक में लगा हुआ है, तो वो कल आएगा वो गाड़ी। तो वो गाड़ी का जो ब्लॉग बनेगा वो फाइनल डे बनेगा। अब आइए आपको दिखाते हैं इसका स्पेसिफिकेशन। बहुत तगड़ा गाड़ी है भाई, स्टेयरिंग भी फील हो रहा है पकड़ने पर कि हाँ कुछ है स्टेयरिंग में। इसके पहले जो हम गाड़ी बुक किए थे उसके बारे में भी अभी आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन उसका कुछ सीन अलग था। लेकिन टाटा हैरियर जो बनाया हुआ है, मतलब भाई फील आ रहा है, एकदम से फील आ रहा है, लग रहा है कि हाँ गाड़ी पावरफुल है और बहुत ही तगड़ा बनाया है गाड़ी का। ये देख सकते हैं इसका मीटर पूरा डिजिटल है इधर वाला, और एक राइट साइड वाला जो है वही बस एनालॉग है, बाकी सब डिजिटल है। एकदम तगड़ा गाड़ी बनाया इसमें, मतलब हर स्पोर्ट दिया हुआ है, आप कौन सा स्पोर्ट में चलाना चाहते हैं, कब कहाँ चला रहे हैं, वो सब कुछ दिया हुआ है। हैरियर का प्रीमियम सेगमेंट हुआ, इसमें आपका सारा न्यूमेरिक सीट कवर आ गया, पैनारोमिक सनरूफ है, इसमें पैनारोमिक सनरूफ है जो पूरा खुलता है एकदम अंदर तक। एक बार एडजस्ट कीजिएगा पूरा आपका पैनारोमिक सनरूफ ये दिखाओ मतलब इसका जो फील है ना पैनारोमिक सनरूफ, वो अलग है भाई। आजकल जो भी गाड़ी ले रहा है सबसे ज़्यादा पहले वही देखा जा रहा है पैनारोमिक सनरूफ है कि नहीं है, अगर नहीं है तो बहुत लोगों का चॉइस है, क्योंकि हम लोग अभी यंग हैं तो हम लोग को चाहिए भाई। अभी जो थोड़ा ओल्ड है उनको कोई मतलब नहीं है, खुले ना खुले उससे कोई ये नहीं है। ये जो एरोप्लेन का कॉकपिट होता है ना उससे इंस्पायर होकर बनाया गया है इसको पूरा एकदम। और गाड़ी का जो स्पोर्टी लुक है, अब आप सोच सकते हैं कि हम एक्चुअली में अल्कजार बुक किए थे, अल्कजार कैंसिल करके हैरियर बुक किए हैं, और विवेक भैया से मेरा बात हुआ है,
हम लोग का पहले से ही अच्छा रिश्ता है, तो हम बोले कि हमको एक मंथ में गाड़ी दे दिए, तो विवेक भी तैयार हो गए कि हम आपको दे देंगे। नॉर्मली 3 महीना वेटिंग चल रहा है गाड़ी का, तो मतलब नेक्स्ट मंथ 9 को या 3 तारीख को हमारा गाड़ी का डिलीवरी होगा, तो उसका भी ब्लॉग आएगा, आप लोग वो भी ब्लॉग जरूर देखिएगा। लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म पे इसको तैयार किया है, पीछे से जब आप इसका लुक देखेंगे तो एकदम मतलब 80% लैंड रोवर की तरह मिलता जुलता है, एकदम तगड़ा सा फील आएगा गाड़ी का। और आप भी प्लान कर रहे हैं इस रेंज में, तो ये वाला गाड़ी लीजिए, हम लोग की तरह मस्त चलाइए, स्पोर्टी टाइप का बढ़िया गाड़ी है एकदम। इसको एक बार बटन दबाते हैं, वन प्रेस इसका जो भी बटन है पैनारोनिक सनरूफ का, वन प्रेस है, आप एक बार दबाइएगा ये पूरा बंद हो जाएगा, एक बार दबाइएगा बस वो उसका कवर बंद होगा, अगर आप खोलना चाहते हैं तो उसका भी बटन है। आप मतलब एकदम सीट भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का दिया गया है एकदम। ये देखिए स्टीयरिंग टिल्ट और टेलीस्कोप ऊपर भी आ सकता है, साइड में जैसे आपको चलाना है, मतलब गाड़ी में हर वो फैसिलिटी दिया हुआ है जो अब आप जो कार का लेते हैं उसका ये वो, तो कार एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर आप हैरियर और फॉर्चूनर ले रहे तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा उसमें कुछ चीज़ों में, फिर भी बहुत अच्छी गाड़ी है। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग सेफ्टी के लिए, तो रतन टाटा सर का सेफ्टी के लिए तो कुछ बोलना ही नहीं है, पिछला 3-4 साल में उन्होंने जो कमा लिया है ना पूरा देश में, उसका एक अलग ही स्वैग है, मतलब आज देश के हर एक नागरिक के अंदर रतन टाटा सर के लिए सैल्यूट है। मतलब जब इस गाड़ी के आप पीछे जाइएगा तो एक शेर के साथ पूरी फैमिली मिलेगी, मतलब सेफ है कि अगर आप हैं इस गाड़ी में पूरे परिवार के साथ तो आप सेफ हैं। ये गाड़ी हो गई, सफारी हो गई, मतलब टाटा की अभी जो भी गाड़ी आई मतलब एकदम से मार्केट में बाउंस कर गई है एकदम। ठीक है, तो फिर आप मेरा गाड़ी 3 तारीख को डिलीवरी कर दीजिए, एक महीना में भैया गाड़ी हमको दे रहा है, अलॉट हो गया है। देखिए गाड़ी अलॉट हो गया, अभी बुक किए मात्र 1 दिन हुआ है, और बस रिश्ता अच्छा है इसलिए गाड़ी 1 महीना मिल रहा है, तो अगर लेना चाहते 3 महीना नॉर्मली वेटिंग पीरियड चल रहा है हैरियर का। फाइनली हमारा गाड़ी बुक हो चुका है, जो कि 3 तारीख आप लोग को पीछे वीडियो में बताए हैं कि 3 तारीख को डिलीवरी होगा हमारे गाड़ी का, तो उसका भी ब्लॉग जरूर देखिएगा। तो हम लोग बुक करके निकल गए हैं गाड़ी, और आप लोग इस ब्लॉग को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।